और एक जो समस्या आती है मिर्ची में, बहुत मेजर समस्या है, वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है किसान भाइयों को, वो है थ्रिप्स की समस्या। यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्रिप्स में पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, पीले पड़ने लगते हैं और उसमें फल फूल भी नहीं आ पाते हैं ज़्यादातर, विकास पूरा रुक जाता है उस पत्ते पौधे का। तो थ्रिप्स के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो उसकी बीज का होता है। अगर अस्वस्थ पौधे आप लगाएंगे, कुपोषित पौधे लगाएंगे, तो उसमें थ्रिप्स का समस्या आ जाएगा। और एक चीज़ होता है, मौसम बदलता है तो भी पौधे में थ्रिप्स की समस्या आ जाती है, जैसे कि गर्मी, और अचानक से गर्मी, अचानक से ठंडी हो जाती है, तो फिर ये समस्या हो जाती है। इसके लिए ये पॉलीराम जो मेटीराम 70% है इसका फॉर्मूला, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। लगभग फंगीसाइड में तो ये बेस्ट है, क्रिटिकल सिचुएशन के लिए पॉलीराम आपको डालना है, और इनोवेक्सिया रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए, और कोरंडा 505 अगर कोई आपको इल्ली की समस्या, आपको पौधों के पत्तियों में अगर इल्ली की समस्या आपको दिख जाए, तो क्लोरोपाइरीफोस ये वाला जो है कोरंडा 505 को आपको डालना है। आपको मिला के डालनी है 20 ml इनोवेक्सिया और 40 ग्राम आपको डालना है पॉलीराम, और साथ में जो है आपको कोरंडा 505 जो है 40 ml प्रति 20 लीटर पानी में इसको मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं इल्ली वाले कीटों के नियंत्रण के लिए। अच्छे से भिगोते हुए पौधों को भिगोते हुए छिड़काव करना है, जैसे कि थ्रिप्स वाले पौधे को अच्छे से और अच्छे से भिगो देना है। इसको करना है हमको 3 दिन के अंतराल में 2-3 बार, ठीक है, मतलब 3 दिन के अंतराल में आपको 2 बार छिड़काव करना ही है इस कॉम्बिनेशन को। उसके बाद में जैसे पहली बार छिड़काव कर दिए, दूसरी बार में हमको जो है छिड़काव करेंगे जब, तब हमको उसमें एग्रीमोस डालना रहेगा, क्योंकि अभी जो थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाता है पॉलीराम और इनोवेक्सिया से, और एग्रीमोस क्या करता है, नई पत्तियां जनरेट करती है। ये वो क्या है कि कोशिका विभाजन करता है, तो नई पत्तियां जो बनती है वो नए स्वस्थ पौधे पत्तियां निकलती है, वो आपको आगे दिख जाएगा वीडियो में कैसे काम करता है। तो दूसरी बार में आपको एग्रीमोस डालना है, पहली बार में नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पौधे नीचे पहले थ्रिप्स से प्रभावित थे, लेकिन जो नए पत्तियाँ निकल रही हैं, देखिए नीचे जो है थ्रिप्स से प्रभावित हैं, और ऊपर में जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं, ये सारे के सारे स्वस्थ पत्तियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो पहले हमने थ्रिप्स को कंट्रोल किया, फिर उसमें विटामिन चलाया, जैसे कि वो आपका एमिनो एसिड 63%, जो आप इसावियन का नाम से भी मिल जाता है सिजेंटा का, और इसका जो है एग्रीमोस के नाम से मिलता है, वेस्टिज कंपनी का है एग्रीमोस के नाम से। बस जिससे हमारे रिजल्ट अच्छा आता है उसके बारे में हम बता रहे हैं, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो नए पत्तियाँ आ रही हैं ये थ्रिप्स मुक्त हैं, और पुराने पौधे में थ्रिप्स था। तो उम्मीद है कि इस जानकारी से किसान भाई इस समस्या से बच पाएंगे।